हेलो गाइज, नमस्कार। आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। गाइज, आज हमारे घर पर गैस चूल्हा हमारा खराब हो गया था। दादी जी सुबह खाना बनवा रही थी, तभी ये गैस चूल्हे के बर्नर से बाहर से आग तेजी तेजी से निकलने लगा। इसलिए मैं नल्ला छपरी बेरोजगार टहलता घूमता हूँ। तो बड़ा हरामी हो बेटा। दादी जी बोली, जाओ इस गैस को सर्विस करा के लाओ, तो मुझे जाना ही पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए पहले इसको चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। तो मैं यहाँ से रेगुलेटर ऑन कर लेता हूँ। कैमरा मैन फोकस करें, यहाँ पे दिखाए हमारे पब्लिक को कि जितना भी ये बर्नर के बाहर आग निकल रहा है, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया गैस में, तो इसी को सर्विस करवाने ले चल रहे हैं। आज आप लोगों ने देख ही लिया, बर्नर के बाहर से आग निकलता है, तो इसलिए मुझे इस गैस को सर्विस करवाने के लिए चलना पड़ेगा। तो मैं चल रहा हूँ गैस को सर्विस करवाने के लिए दुकानदार के यहाँ। तो आप लोगों को भी बताएंगे कितना पैसा लगा और क्या क्या सामान बदला गया। तो चलिए आज मैं स्कूटी पर गैस चूल्हे को रख लिया, अब चल रहा हूँ दुकानदार के। दुकानदार भाई के यहाँ पहुंच गए हैं। भाई साहब चूल्हे का पाइप खोल रहे हैं और पाइप खुल भी गया। पाइप को गैस में झुलस रहे हैं, जितने भी कचरा है निकल जाए। पाइप को गैस में झुलसने के बाद टूट गया, इसलिए नया पाइप बदलवाना पड़ा। गाइस, चूल्हे गैस को मैं दुकान पर रिपेयरिंग करके घर पर आ चुका हूँ और आप लोगों को बताऊंगा कि चूल्हे गैस में कौन कौन सा सामान बदला गया है। इस बर्नर को उसने बहुत ही तेजी से आग में जला के साफ करने की कोशिश की, तो ये बर्नर टूट गया। क्या बोला तूने? दूसरा वाला भी बर्नर काफी पुराना था, इसलिए आग तेजी तेजी से बाहर से निकल रहा था। तो मैं दोनों बर्नर और दोनों ये पाइप नया बदलवा दिया हूँ। कैमरा मैन नजदीक से फोकस करें, यहाँ पर मैं दोनों पाइप नया बदलवा दिया हूँ। ये दोनों बर्नर भी नया ले आया हूँ। पुराना वाला बर्नर और पाइप ये है, दोनों पाइप और ये दोनों बर्नर बदला गया है। तो इन चारों को बदलवाने में मेरा 300 रुपया लगा है। आप लोग भी अगर गैस को सर्विसिंग करवाते हैं तो इसको नया ही बदलवा दें, सबसे अच्छा रहेगा। 2-3 साल कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने भी नया बदलवाया है। भाई, मैं चूल्हे गैस को बनवाने से पहले आप लोगों को दिखाया था बर्नर के बाहर आग निकल रहा था, तो मैं नया बनवा के लाया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि बर्नर के बाहर आग तो नहीं निकल रहा है। कैमरामैन फोकस करें, रेगुलेटर ऑन करें। ऑन हो गया। और यहाँ पे अब मैं इस माचिस को जलाऊंगा और यहाँ पे ऑन करता हूँ, देखता हूँ कि ये बाहर आग तो नहीं निकल रहा। काफी तेजी से अच्छा जलने लगा है, भी बाहर चारों तरफ आग नहीं निकल रहा है। जितना भी जल रहा है गैस के अंडर में ही जल रहा है। तो आप लोग देख लिए कि मेरा गैस बन चुका है और काफी मेहनत लगा है। 1 घंटे से मैं इस गैस के पीछे नल्ला छतरी की तरह दौड़ रहा था और ये छोटे छोटे बच्चे भी वीडियो बनाने के लिए काफी उत्सुक है। तो आप लोग बोलिए, कैमरा में फोकस करें। और आप लोगों को पता है मैं यूट्यूब पर 1 साल से ऊपर हो गया मुझे काम करते हुए, पर मुझे कोई भी सक्सेस नहीं मिली है। लेकिन मैं वीडियो बनाने में कभी भी हार नहीं मानता हूँ, अपना जो काम है मैं करता रहता हूँ। तो आप लोग भी अगर यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो इसी तरह कोई भी वीडियो बना के डालिए, वो कुछ भी हो, लेकिन कोई ना कोई कॉन्टेंट डालिए। कभी ना कभी कोई भी वीडियो वायरल हो सकता है। किस्मत और मेहनत एक दिन एक साथ रंग दिखाए। आज का आप लोगों को कॉमेडी वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब।